हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद है टेक सेशन आईटी में। आज मैं आपको लैब कराऊंगा, पीएफ सेंस पे ही आज मैं आपको लैब करवाऊंगा। पीएफ सेंस के बारे में आपको मैं ये समझाऊंगा, आज मैं इसका फुल मॉनिटरिंग के बारे में बताऊंगा कि आप इसके हर यूज़र की हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कोई सी भी आपकी चीज़ हो, मसला समझ लें कि वो कौन सी क्या इन कर रहा है, क्या आउट कर रहा है, कौन सी वेबसाइट पे आ रहा है, कौन सी ज़्यादा कर क्या चीज़ यूज़ कर रहा है, हर चीज़ बैंडविड्थ वैंडविड्थ सब चेक कर सकते हैं, ऑल चीज़ चेक कर सकते हैं। 7 लेयर तक आप इसकी बैंडविड्थ को चेक कर सकते हैं यूज़र की, कि क्या क्या मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कि कौन कौन सी वेबसाइट्स को सर्च कर रहा है। चलें मैं आप इसके बारे में बताता हूँ। ये पी एफ सिंस है, इसका ये लॉगिन है। आप इसमें एडमिन देंगे, पासवर्ड देंगे, इसको साइन इन करेंगे। ये मैंने आपको बताया था इसका इंटरफेस है लॉगिन का। तो ये लॉगिन करते ही आपकी ये पी एफ सिंस आ जाएगी। ये पी एफ सिंस का है, इसका गेटवे पैकेट्स है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, इसमें लैन आ रहा है, वैन आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये इन और आउट, ये लैन का इन और आउट देख सकते हैं। ओके गाइस, इसका आप बढ़ाना चाहें तो सेटिंग से जाके इसका सेटिंग नहीं चाहेंगे। आप इसकी सेटिंग भी चेक कर सकते हैं, वो आ नहीं रही है अभी, चेक करता हूँ। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, इसकी सेटिंग आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 1 मिनट के बाद ये रिफ्रेश होना शुरू हो जाए, 1 सेकंड के बाद रिफ्रेश होना चाहे, वो भी कर सकते हैं। लैन वैन दोनों आपके ये चेक हो। इसके बारे में मैंने पहले भी समझाया था, लेकिन मैं इसकी, क्योंकि अक्सर किसी क्लाइंट के पास स्लो चल रहा होता है, क्लाइंट्स कह रहा हूँ, आप अगर चेक करते हैं तो इसकी ये पैकेट्स इन आउट काफ़ी डिले होता है, तो इसके लिए आप इसकी सेटिंग में आके इसकी सेटिंग सेट कर सकते हैं। ओके, ये सेटिंग का बटन दबाएंगे तो ये नीचे से ड्रैग डाउन होगा। ओके गाइस, ये देखें आपके सामने ड्रैग डाउन हो गया। अब मैं इसको ज़रा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पैकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा पैकेट अपने सिस्टम अपनी पी एफ सिंस में इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप इसके फायरवॉल कहाँ जाना होगा, सिस्टम में आपको जाना पड़ेगा, पैकेज मैनेजर। आप पैकेज मैनेजर में जाएं, पैकेजेस मैनेजर में जाएं, ये चेक कर रहा है इंस्टॉलेशन पैकेज आपके पास कौन कौन से हैं। तो अभी मैंने इंस्टॉल कर दिया था, तो ये अभी मेरे सामने आ जाएगा इंस्टॉलेशन पैकेज कौन कौन से हैं। मैंने अभी एक इंस्टॉल पैकेज करा था इसमें, तो अभी ये प्लीज वेट बोल रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन सा पैकेट, अभी ये सर्चिंग कर रहा है, ये देखें ये आ गया इंस्टॉलेशन पैकेज। इसमें मैंने एन टॉप एन जी, ये आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पी एफ सिंस में, और ये फ्री है, कोई आपको कोई चार्जेस वार्जेस नहीं देना पड़ेंगे इसके। ये जब भी इसको फ्री रिसोर्स है ये पूरी, मैं आपको दिखाता हूँ नेट एंड टॉप। ये अभी क्योंकि मैंने शायद इंस्टॉल कर लिया, इसकी वजह से यहां पे शो नहीं कर रही है। आप जैसे ही इसमें इंस्टॉल करेंगे, ये आपके सामने यहां पे शो करेगी। इसका नाम मैं आपको बता देता हूं, वरना मैं आपको दिखाता ना तो ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डिले वो लेट होता है, इसकी वजह से वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, तभी मैंने पहले से ही ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया था। एंड टॉप एन जी, ये देखें एंड टॉप एन जी, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज। आप इंस्टॉल करेंगे, ये कुछ मिनट के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको इसका रिव्यू कैसे दे सकते हैं,
इसके लिए ये अलग ब्राउजर पे खुलता है, इसकी पोर्ट चलती है 300। मैं आपको बताता हूँ, आप ये स्टेटस में आएंगे ना, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके यहाँ पे शो कर रहा होगा। सॉरी, ये डायग्नोस्टिक, इसमें जाएंगे डायग्नोस्टिक में, आपके सामने ये एंड टॉप एनजी सेटिंग, एंड टॉप एनजी सेटिंग आप इस पर क्लिक करिएगा। ये क्लिक, अच्छा ये ऐसे नहीं खुलेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले अनेबल करना पड़ेगा, ये चेक लगा नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट ये अनचेक हुआ होता है। ओके गाइस, ये बात याद रखिएगा, इसको आपको अनेबल करना पड़ेगा वरना ये ओपन नहीं होगा। इसको आप अनेबल करेंगे और इसमें आप अपना पासवर्ड देंगे, अपना ये पासवर्ड देंगे, हमें किस पे चलाना है, लैन पे चलाना है तो हमें लैन पे ही इसको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है वैन पे ये एक्सेस नहीं होती है आपके, बाहर से नहीं होगी, लैन से ही होगी। तो इसका पासवर्ड सेट कर दें, मैंने पासवर्ड सेट रखा हुआ है पहले से ऑलरेडी। ओके गाइस, ये आप करने के बाद इसको सेव कर दें और इसको लाजमी अनेबल कर देगा। ओके, अनेबल आपको करना, अच्छा ई एस एस एंड टॉप एन जी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपके सामने ये 3000 की आईपी आ जाएगी, 172 ये मेरा वही फायरवॉल की आईपी है, और ये इसके आगे ये आपके सामने, इसके सामने देख सकते हैं ये 3000 लगा हुआ है, डबल डॉट ये करने का 3000 लिखें और ये आपके सामने आ जाएगा, फिर इसको कंटिन्यू, तो ये आपके सामने इस तरह आएगा, वेलकम टू एंड टॉप एन जी। ओके गाइस, इसमें आप पासवर्ड दें, जो आपने पासवर्ड उधर सेट करवा होगा, मैं आपको बताता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ, डायग्नोस्टिक एंड टॉप सेटिंग एंड स्टॉप सेटिंग, ये देखें, ये जो पासवर्ड आप इधर देंगे ना, इसमें आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ओके गाइस, यहाँ पे आप पासवर्ड दें और एडमिन होता है बाय डिफॉल्ट। ओके गाइस, एडमिन होता है इसका बाय डिफॉल्ट। ओके, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, ऐसे भी 172 अपने उसकी फायरवॉल की आईपी दें और इसके आगे डबल डॉट मार के 3000 लिख दें। ओके गाइस, ये आपके सामने आएगा, इसको लॉगिन करें, तो आप लॉगिन करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ओके गाइस, ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी हमारे पास देखें, सिर्फ इसी सिस्टम की आईपी आ रही है, देख सकते हैं आप 172.13.2.055, अभी यही सिस्टम इसके साथ सिर्फ कनेक्ट है। अगर आपके सामने और आपके अगर और भी क्लाइंट्स हो तो वो यहाँ पे शो कर रहे होंगे। ओके गाइस, फिर ये इसका डैशबोर्ड है, या होस्ट, ये देखें होस्ट पे आ गया, ये देखें 113 डॉट ये होस्ट है, कौन कौन सी सेंडिंग हो रही है और ये अदर है। अभी देखें, मैं कोई चीज सर्च करता हूँ किसी और ब्राउज़, ये देखें मैं कुछ सर्च करता हूँ तो गूगल लिख के, तो देखते हैं क्या इसमें कुछ आ रहा है। और जरा कोई सर्चिंग करता हूँ, कोई भी सर्च करता हूँ, यूट्यूब का पेज खोला हमने, ये होस्ट है टॉप होस्ट, अभी देखते हैं, ये आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं, ये देखें गाइस। अच्छा, अब एप्लीकेशन में जाके देखना पड़ेगा क्योंकि इधर होस्ट आएगा खाली,
होस्ट में आपकी खाली 172 आईपी बताएगा, इसमें खाली खाली आईपी के बारे में बताएगा। एप्लीकेशंस में जाना पड़ेगा, एप्लीकेशंस में आप जैसे ही जाएंगे तो ये देखें हमने गूगल करा है तो गूगल आ गया, यूट्यूब करा तो यूट्यूब आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का भी आया। ओके गाइस, आप जॉन जॉन सी वेबसाइट्स को सर्च करेंगे, कोई सी भी वेबसाइट को कोई भी यूजर हिट कर रहा होगा तो उसके सामने ये देखें सारी चीजें बता रहा है, आपकी एप्लीकेशंस में सब बता रहा है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। अभी मैं कुछ और लिखता हूँ, हमारी वेब खोलते हैं। हमारी वेब देखते हैं, एप्लीकेशंस में देखते हैं। ये देखिए गाइस, ये देख सकते हैं गाइस आपके सामने एक क्लाउड फेयर के नाम से आ गया, यूट्यूब आ रहा है। ओके, ये वेबसाइट है इसकी, बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चल रही है वो ये चल रही है। ओके गाइस, क्लाउड चल रही है। न्यूज का कोई देख लेते हैं, ये देखें गाइस आप हर चीज इसमें चेक कर सकते हैं, कोई सी भी आपकी कोई भी यूजर किसी भी आईपी से जा रहा होगा तो आप आसानी से उसको चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, ये आपका होस्ट हो गया, ये आपका होस्ट है 172 आईपी बता रहा है कि कौन कौन सी आईपी से यूजर कहाँ कहाँ कौन सी आईपी होस्ट से बता रहे हैं ना, होस्ट है टॉप होस्ट सेंड एंड प्लस रिसीव, ये हमारा देखें 74% कर रहा है। और ये आईपी इसकी क्या है ये देखें, सिर्फ मेरा ये सिंगल यूजर जिस विंडो में बैठा हूँ वही अभी इसकी आईपी है। अच्छा, ये सेंडर से ठीक है जी, आप देख सकते हैं इसकी काफी चीजें काफी फीचर्स हैं इसमें। और फ्लो में जाए तो ये देखें, ये आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बताएगा, फ्लो में जाए तो ये आपको काफी ज्यादा तरीके से बताएगा कि आपका यूजर क्लाइंट 172 का ये आप देख सकते हैं ऊपर मेरे ब्लैक में आ रहा है, जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो ये कौन कौन सी गूगल में गया, हमारी वेब पे गया, HTTPS क्लाउड, ये देख सकते हैं आप कौन सी एप्लीकेशन को यूज करते हुए गया, HTTP क्लाउड फ्लेयर से यूज होते हुए गया है, हमारी वेब पे आप देख सकते हैं सर्वर ब्रेकडाउन टोटल बाइट्स, ये आप सब चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और तरीका होता है, आप ये आईपी वर्जन में आएंगे ना तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी आईपी वर्जन से चले, ऑल करना चाहते हैं या सिर्फ आईपी वर्जन 4, तो ये खाली आईपी वर्जन 4 के लिए आएगा। एप्लीकेशंस ये सारी फ्लो मल्टीका स्टेट्स नॉर्मल होस्ट, अच्छा ये आपके ऑल क्लाइंट्स रिमोटली भी आ सकते हैं या लोकल जो आपके लोकल चल होंगे ये ज्यादा सही है, तो लोकल में आप देख सकते हैं जो आपके लोकल होंगे वो सारे आपके आ जाएंगे। ओके गाइस, ये लोकल होस्ट होगा, ये आपके सारे आ गए, ये कौन कौन सी आईपी से जा रहे हैं किस किस इंटरफेस से होते हुए जा रहे हैं तो ये आपको ज्यादा अच्छा पता चलेगा। ओके, ये आप चेक कर सकते हैं कोई सी भी वेबसाइट्स पे होते हुए सारी चीजें, नेटवर्क में क्या है, यहाँ ये देखें नेटवर्क आ गया, नेटवर्क्स में हमारे 172 ये आप देख सकते हैं 13.0.16 का नेटवर्क पूरा चल रहा है, 13.0. कितनी ब्रेक डाउन सेंडिंग हुई है, रिसीव हुई है ये आप देख सकते हैं, थ्रो आउट कितना KB आउट हो रहा है, ट्रैफिक कितना आ रहा है ये आप सब चेक कर सकते हैं इससे इस जगह से। अच्छा, इंटरफेस आप देख सकते हैं, ये हमारा EM1 चल रहा है वही मैंने आपको बताया था,
ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये देख सकते हैं एंड विंडोज आप अपने यूजर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा चल रहा है, नेम आ रहा है और रिसीव आ रही है। और इसमें HTTP सर्वर्स नहीं, ये फ्लो में है दोबारा से। ये हम देख सकते हैं सर्वर कहाँ का है, ये सारी इसकी डिटेल भी ले सकते हैं। आईपी एड्रेस 172 है, किस सिस्टम की आईपी है, और ये आपकी लोकल हिस्सा होता जा रहा है। और हैज क्लाइंट्स, आप सारी इसकी डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसकी बैंडविड्थ को कि किस सर्वर से कितनी सेंडिंग आ रही है और रिसीव कितना ट्रैफिक हो रहा है, ब्रेकडाउन। ओके गाइस, ये सारा इसमें आप इसमें चेक कर सकते हैं। पोर्ट्स में ये देखें, ये आपकी पोर्ट्स आ गई हैं सारी, टॉप क्लाइंट्स पोर्ट्स ये आप देख सकते हैं। टू कौन कौन सी पोर्ट्स से कौन कौन सी पोर्ट्स आपकी यूज़ हो रही हैं, क्लाइंट कौन कौन सी आपकी पोर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा 443 आ रही हैं, 3544 आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं गाइस। और ये आपका ट्रैफिक है, देखें 0 बाइट हो गया, इधर कोई भी अभी ब्राउजिंग नहीं कर रहा है तो ये आपके सामने 0 बाइट हो गया है। ओके गाइस, जैसे ही मैं अभी कोई ब्राउजिंग करूंगा ना, इधर देखता हूँ, ब्राउजिंग करता हूँ, ये देखें गूगल करा है, तो ये देखें ये आपके सामने इन और आउट दोनों KB bytes में चलने लग गए। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको और ज्यादा डीपली बताएगा। ये आप देख सकते हैं म्यूट में 15 bytes, स्पीड्स, लोकल, रिमोट, कौन कौन से यूजर हैं, पैकेजेस में आप जा सकते हैं। ये देखें आपके पैकेजेस बता रहा है, ये बहुत सारे इसमें आप फुल मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप इसमें इसको PFCs को यूज करते हुए आप हर किस्म की चीज को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। देखें इंटरफेस EM1 आ रहा है, हमारा जो EM1 ही इंटरफेस है इसका, लैन जिसको बोलते हैं, हमारा लैन जो है EM1 है। ओके गाइस, आप फ्लो सबसे अच्छा ज्यादा होता है जो आप अपने क्लाइंट की ट्रेस कर सकते हैं, किसी भी कौन सी वो ज्यादा एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। देखिए मैंने अभी गूगल करा तो गूगल आ गया, यहाँ से HTTPS कर सकते हैं, आप HTTPS की चेकिंग कर सकते हैं कौन कौन सी पोर्ट्स को यूज कर रहा है। ओके गाइस, या आपके आप जितना इसको और यूज करेंगे आपको और ज्यादा इसके बारे में पता चलेगा, कितनी आप इसकी मॉनिटरिंग फुल डीपली मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ओके गाइस, आपको इसमें खाली कोई सा भी नहीं, सिर्फ ये पैकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा Ntop, ओके NG, ये मैं आपको बता दूं, Ntop NG करना पड़ेगा, इसको अनेबल करना पड़ेगा, और फिर आप इसको ये क्लिक करके SS Ntop NG को क्लिक करेंगे तब भी लॉगिन हो जाएगा, और आप इसको ऐसे भी लॉगिन कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लॉगिन कर सकते हैं 172.255.3। गाइज आपको इस तरह टाइप करना पड़ेगा इसको HTTPS करके टाइप, गाइज आपको इस तरह इसको टाइप करना पड़ेगा HTTPS 172 अपनी फायरवॉल की IP देंगे आप, और इसमें आप 3000 ये 1000 देंगे, और फिर बैकस्लैश देंगे, इसको एंटर करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह आ जाएगा। फिर आप इसको कंटिन्यू करेगा तो ये आपके सामने लॉगिन पेज हो जाएगा। इसको आप यहाँ से ये देखें, अभी भी ये देखें आपके सारे पैकेट्स इन और आउट बता रहा है। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे पेज को भी सब्सक्राइब करें। ओके, खुदा हाफिज़।